और सखावत के बारे में तो इतनी ही प्यारी हदीस है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की कि आप फरमाते ला यकून मुमिनन इल्ला सखिया, मुमिन होता ही सखी है, यू नो जेनरस है, खुले हाथ वाला होता है। ला यकून सखियन इल्ला ذو यकीन व हिम्मत आलिया, और जो सखी होता है वो सखी सखी नहीं होता जब तक उसके पास क्या ना हो, नंबर वन यकीन का नूर ना हो, नंबर टू एक ऊंची हिम्मत, बुलंद हिम्मत वाले, यू नो हाई एम, एम हाई जो कहते हैं वो। لأن السخاء شعاع اليقين شعاع نور اليقين ومن عرف ما قصد هان عليه ما بذل। आप फरमाते हैं कि पता है क्यों सखावत को इतनी ज़्यादा इज्जत इस्लाम में मिली है कि अगर मुशरिक के पास भी ये हीरा मौजूद हो तो वो उस मुशरिक को भी नूरानी सा करने लग जाता है, इसलिए कि सखी यकीन के नूर से देख रहा होता है, वो देता है उसको पता है यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, वो यकीन सा होता है। दूसरा वो उसकी वो छोटा नहीं सोचता, वो नेरो नहीं है, बुलंद सोच वाला है। और तीसरा उसका हदफ मुशख्खस होता है, वो अल्लाह पे तवक्कुल करता है। तो जिसका जिसके सामने मकसद विजन क्लियर होता है हो, जैसे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे, तो फिर वो क्या करता है अपने उस विजन क्लियर होने की वजह से जो है वो उसके लिए सखावत बज़ल करना, चैरिटी करना, टाइम का, वक्त का, माल का, जो भी है इल्म का, वो आसान हो जाता है। खाना अलैहि मबदला बहुत आसान हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके सामने उसका डेस्टिनेशन जो है, वो टारगेट जो है वो बिल्कुल फिक्स क्लियर मौजूद है। ये वो अजीब सी सिफत है जिसके बारे में बहुत ताकीद के साथ इस्लाम कह रहा है।